तो दोस्तों आपने थंबनेल में देख लिया होगा मैंने डीसी पंप आपको किस तरह बनाकर दिखाया। अगर आप इसको अच्छा और बढ़िया बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा इसको किस तरह अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कार्बन फिल्टर लेना है। ख़राब आरओ का जो कार्बन फिल्टर होता है हम उसको बेकार फेंक देते हैं, ये आपको लेना है। इसको आपको नीचे की साइड से काटना है। काटने के बाद दोस्तों आपको एक लोहे की पत्ती लेनी है, उसके अंदर जो घूम जाए इस साइज़ की आपको गोल काट लेनी है। काटने के बाद दोस्तों इसको आपको मतलब जो मैंने ये प्लस का निशान लगाया इसको चारों तरफ से आपको काट देना है। बीच में से थोड़ा सा छोड़ना है जहाँ पर इसमें सुराख हो जाए। आप देख सकते हैं किस तरह मैं काट रहा हूँ, इसी तरह आपको ये करना है। और दोस्तों ध्यान से करें, मतलब हल्का से भी उकचुक ना हो तो नहीं तो आपके लग सकती है इसकी। आप इसको बिल्कुल केयरफुली करें और आप इस तरह मतलब इसको चारों तरफ से काट लीजिए बीच में थोड़ी जगह छोड़कर। जब ये चारों तरफ से कट जाएगा तो उसके बाद हम इसमें आपको बीच में सुराख करके दिखाएंगे। और सुराख भी आपको मशीन से करना है। तो दोस्तों इस तरह आप इसको काट लीजिए। कटने के बाद दोस्तों ये चारों तरफ से जब कट जाएगा तो उसके बाद हम इसमें बीच में सेंटर में सुराख करना है। दोस्तों अगर साइड में आपने सुराख कर दिया तो ये वाइब्रेशन करेगा, यानी कि जो पंप चलेगा जब वाइब्रेट करेगा वो। अगर आपका बिल्कुल सेंटर में मतलब सुराख होगा और सही तरीके से कसेगा तो बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं करेगा। अब आपको ड्रिल से इसमें सुराख कर लेना है बिल्कुल सेंटर में। और सुराख के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा आगे का। आपको मतलब जो फिल्टर था इसमें ऊपर की तरफ एक पाइप भी लगेगा, वो पाइप किस तरह लगाना है आपको। तो दोस्तों ये सुराख कर लीजिए, ये सुराख आपका हो जाएगा। ये सुराख आपका हो गया है तो इसका मतलब एम्पलर जो आपका पंखड़ी है तैयार हो चुकी है। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आप देखें जो ये कार्बन फिल्टर था इस पर आपको एक पाइप लेना है, गर्म कर कर उसको यहाँ पर इस तरह लगा दीजिए। ये आपका लग चुका है। लगने के बाद दोस्तों ये आपका तैयार है। और यहाँ से हमने जो पाइप सा खोला था इसके लिए भी आपको मतलब जैसी आपकी साफ्ट है उसके हिसाब से आपको ये बराबर सुराख करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर मदानी जो होती है दूध बिलोने की रही होती है उसके साइज़ का मतलब सुराख किया था मैंने इसमें। और यहाँ पर हम उस पंखड़ी को इस तरीके से कस देंगे। कसने के बाद दोस्तों आपका ये पंप तैयार है। आप चाहे आप इसमें ड्रिल मशीन लगा के चला सकते हैं इसको, या फिर इसमें डीसी कोई मोटर आपके पास हो तो उससे भी आप इसको चला सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको ये डीसी पंप से मतलब डीसी मोटर थी मेरे पास 12 वोल्ट की, उससे चला के दिखाई है। और मैंने जो तार था मतलब वो बैटरी में लगा रखा था, बैटरी अंदर रखी थी दुकान के। और ये मतलब बोर्ड उसमें से बैटरी में से ही आ रहा है, आपको कन्फ्यूज ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप देखें कभी लाइट में बोर्ड लाइट के बोर्ड से चला रहा हूँ। वो लाइट के बोर्ड नहीं, वो डीसी बोर्ड है, उसमें डीसी लाइट आ रही थी। और आप इसमें डीसी मोटर इस तरह लगा सकते हैं, ये डीसी मोटर है 12 वोल्ट की। आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाती है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले की दुकान पे भी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो ये देखें इस तरह आपका पंप तैयार है। अब इसको पानी में रख के आप चलाएँगे तो वहाँ पाइप से पानी आएगा, अदरवाइज़ आप ड्रिल मशीन से भी इसको चलाएँ तो ड्रिल मशीन से भी अच्छा प्रेशर ये देती है। तो ड्रिल मशीन को आप इसमें ऊंचा करने के लिए या फिर बड़ा करने के लिए इसमें आपको ड्रिल मशीन के जो आगे की ये है मतलब बिट है, बिट लगती है जहाँ पर, वहाँ पर आपको एक इसी साइज़ की साफ्ट लगानी है क्योंकि ये तो मोटी है, ये अंदर आएगी नहीं उसके। और आपको साफ्ट लगाने के बाद दोस्तों इस तरह तैयार हो जाएगी। और अब हम इसको चला के देखते हैं अब इसमें किस तरह काम करेगी। तो दोस्तों अब हम इसके तार लगा रहे हैं, इसमें उल्टा होता है तो उठाएगी नहीं। और ये देखिए आप कितना तेज़ प्रेशर ये उठा रही है। और दोस्तों ऊंचा नीचा करने का इसमें प्रेशर का फ़र्क होता है, जैसे जितना आप ऊंचा करोगे तो पानी तेज़ होगा, नीचा करोगे तो कम होगा। तो दोस्तों ये आप इसको फिक्स करके पाइप के अंदर भी सिस्टम कर सकते हैं या फिर ड्रिल मशीन से भी इसका सिस्टम कर सकते हैं और कोई कुंडे वगैरह से भी आप इस पानी को इस तरह बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।